अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सेकंड क्लास है और इसमें आपको जो कैंडल्स आपको ग्रीन कलर और रेड कलर में नज़र आ रही होती हैं उनके बारे में गाइड करूंगा कि वो रेड कलर की कैंडल क्यों बनती है और ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो क्यों बनती है, और कैंडल्स को जो है वो हम कैसे देखते हैं, और कैंडल की स्टडी जो है वो बेसिकली आज हम करेंगे कि एक कैंडल स्टिक जो है वो कैसे बनती है और कौन सा उसका टाइम फ्रेम होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस होता है और उसका हायर और लो में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप आज की वीडियो में सीखोगे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ BTC USDT का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ आपको ये रेड कलर की कैंडल्स और ग्रीन कलर की कैंडल्स नज़र आ रही हैं आपको। तो यहाँ ये कैंडल्स जो हैं ये क्यों बनती हैं और कितना जो है इसके अंदर डाटा पड़ा होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ मैं वन डे की कैंडल जो है वो खोल लेता हूँ। तो यहाँ जितनी भी कैंडल्स बनी हुई हैं, ये हर एक कैंडल जो है वो 24 आवर के बाद चेंज होती है। अब आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ तो समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 24 आवर के बाद कैंडल बनती है। तो यहाँ कुछ डिटेल्स जो हैं मैंने लिखी हैं जो कि आपको समझाने के लिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो 50,000 थी जब वो स्टार्ट हुआ। यानी कि एग्ज़ाम्पल ले लें आप कि सुबह 6 बजे BTC की जब कैंडल बननी स्टार्ट हुई तो तब बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो $50,000 थी, और उसके बाद जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 1,000 बढ़ गई। 1,000 बिटकॉइन की प्राइस बढ़ी तो 51,000 बन गई। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आ गई $2,000, और उसकी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $49,000 बन गई। इसी तरह हम बिटकॉइन की प्राइस मजीद जो है वो $1,000 नीचे गिरी तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $48,000 तक आ गई। इसी तरह 6,000 इंक्रीज़ हुए, बिटकॉइन में 6,000 जो है वो इंक्रीज़ हुए और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $54,000 तक पहुँच गई। इसी तरह फिर से जो है वो $1,000 बिटकॉइन की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हुई और बिटकॉइन की प्राइस जो है $53,000 तक जो है वो आ गई, और $53,000 पर जाकर मार्केट की जो है वो क्लोजिंग होगी। इस पॉइंट पर आकर मार्केट की जो क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो ओपन हुई है 50,000 पर ओपन हुई, क्लोजिंग जो है वो $53,000 तक हुई है। तो अब यहाँ कैंडल कैसे बनती है उसकी तरफ चलते हैं। कैंडल्स में आपको चार चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। एक कैंडल के अंदर चार चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन हुई है, इसका हाई ये है, इसका लो ये है और इसका क्लोज ये है। ठीक है कि OHLC ये चार चीज़ें कैंडल के अंदर मौजूद हैं तो हम उसको कैंडल बोलेंगे। किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी फार्मूले के अंदर अगर आपको ये चार चीज़ें मिलती हैं तो उसको हम एक कैंडल, एक जैपनीज़ कैंडल जो है वो बोलेंगे, जिसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज मौजूद हो। अब आ जाते हैं कि कैंडल जो है वो कैसे बनेंगी और OHLC जो है वो कैसे हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि प्रीवियस डाटा में मैंने आपको जो है वो ये चीज़ें बताई हैं कि प्राइस जो है वो उसकी ओपनिंग प्राइस वो 50,000 थी और उसकी प्राइस जो है वो 51,000 पर गई जब उसमें 1,000 की एडिशन हुई, यानी कि 1,000 जो है उसकी प्राइस अप गई। तो उसका जो ओपनिंग थी वो 50,000 पर थी, उसका हाई जो बना वो ये बना 51,000 का। इसी तरह उसका जो लो है वो रिमेन सेम रहेगा क्योंकि उसकी ओपनिंग जो है वो 50,000 से हुई थी, तो वही रिमेन इसका लो रहेगा। और इसी तरह उसकी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 51,000 पर, तो उसकी क्लोजिंग हम सी से रिप्रेजेंट उसको करेंगे जो 50,000 पर था। इसी तरह उसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, $2,000 उसकी प्राइस जो है वो नीचे गई है। ओपनिंग उसकी थी $50,000 पर, उसने हाई जो लगाया था वो लगाया था जी 51,000 का, जैसे कि हमने ऊपर देखा है। और इसी तरह उसका जो लो बनेगा 51,000 में से आप माइनस करो $2,000 तो $49,000 जो है वो बचते हैं। 49,000 इसका लो है और इसकी क्लोजिंग भी इधर हो गई, तो इट्स मीन कि इसकी जो क्लोजिंग है वो $49,000 पर हुई है। इसी तरह नेक्स्ट अगले लम्हे में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो फिर से $1,000 जो है वो गिर गई और इसकी प्राइस जो है वो 48,000 डॉलर जो है वो हो गई। इट्स मीन कि इसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो $50,000 थी, इसका जो हाई बना था वो बना था $51,000, इसकी जो लोएस्ट प्राइस बनी है वो $48,000 बनी है क्योंकि अभी ये डिक्रीज़ ही हुआ है, और उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो $48,000 पर हुई है। अब इसी तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $6,000 जो है वो अगले ही लम्हे बढ़ गई।
तो यहाँ इसकी ओपनिंग प्राइस थी 50,000 डॉलर। जब ये मार्केट या ये कैंडल जो है वो बनने लगी, उसका जो हाई बना था वो अब 54,000 डॉलर बना। क्यों? क्योंकि पहले इसमें था 48,000 डॉलर, यानी कि 48,000 डॉलर इसका जो है वो लो बना था, और मार्केट में 6,000 डॉलर जो है वो एडिशन हो गई, यानी कि उसकी मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हुई, तो उसमें जो है वो 54,000 उसका हाई बन गया, जिसको हम उस कैंडल का सबसे हाई बोलेंगे, क्योंकि इससे ऊपर जो है वो अभी तक कैंडल नहीं गई। उसके बाद मार्केट का जो लो रहेगा वो फिर रहेगा रिमेनिंग वही जो उसने सबसे लो लगाया होगा, जो कि था उसका 48,000 डॉलर, और इसी तरह उसकी जो क्लोजिंग होगी, क्योंकि वो हाई पर जाकर क्लोज हुआ है, तो 54,000 डॉलर जो है उसकी हाई क्लोजिंग होगी। अब लास्ट पर बिटकॉइन जो है वो फिर से 1,000 डॉलर जो है वो गिर गया, यानी कि 1,000 डॉलर जो है बिटकॉइन गिर गया। इसकी ओपनिंग हुई थी 50,000 डॉलर पर जब मार्केट यानी कि ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई, और जब इसका हाई बना तो वो बना 54,000 डॉलर का। यहाँ 51 लिखा हुआ रह गया तो मैंने इसको चेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ इसका लो जो रहा वो 48,000 डॉलर रहा, क्योंकि इसने सबसे लो जो है वो 48,000 की फिगर को टच किया है, और उसके बाद जो क्लोजिंग इसकी हुई है वो 53 डॉलर तक, 53,000 डॉलर पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो ये फिगर्स आ गई हैं, आपको ये सारी फिगर्स जो है वो समझ आ गई होंगी। अब ये जो लास्ट वाला OHLC हमारे पास पड़ा है, ये वाली फिगर, इसको हम जो है वो आगे कैंडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओपनिंग जो थी इस कैंडल की वो 50,000 डॉलर है, हाई जो इस कैंडल ने बनाया है वो 54,000 डॉलर है, उसके बाद इसकी जो लो प्राइस लगी रही है वो 48,000 डॉलर है, और इसकी ने जो क्लोजिंग दी है वो 53,000 डॉलर है। तो यहाँ जो है वो हम एक कैंडल जो है वो ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ आपको बताता हूँ कि ये कैंडल जो है वो कैसे बनेगी। ओपन प्राइस इसकी 50,000 डॉलर है, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 53,000 डॉलर है। तो दो प्राइसेस हमारे पास आ गई ओपन और क्लोज की। हम इसको जो है वो यहाँ फिल कर लेते हैं, और आपको जो है वो एक कैंडल कुछ इस तरह की नज़र आएगी जब आप जो है वो इसको ड्रा करोगे। तो ये कुछ इस तरह की कैंडल बन जाएगी आपके सामने, ये ग्रीन कलर की। तो अब जो है वो आपने यहाँ हाई और लो किसको कहते हैं, हाई और लो जो है वो आपके बनेंगे कि मार्केट ने सबसे ज़्यादा हाई क्या लगाया था, और उसके बाद लो जो है उसकी प्राइस बनेगी कि उस टाइम पीरियड में उसने सबसे लोएस्ट प्राइस जो है वो कौन सी उसने टच की थी। तो ये इसका हाई बन गया, और ये इसकी लोएस्ट प्राइस जो कि 48,000 थी। हमने प्रीवियस जो डाटा था उसमें हमने देखा था कि हमारा जो OHLC था वो यह हमारा ये वाला था, जिसको हमने आगे लाकर यहाँ एक कैंडल की शेप दे दी है। अब यहाँ इस कैंडल में हमें जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो ये सीखने को मिलती हैं कि हमारी कैंडल की जो ओपनिंग हुई है वो ओपनिंग हुई है हमारी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मार्केट ओपन हुई है, और उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ हुई है, ठीक है। और उसके बाद उस मार्केट ने इस टाइम पीरियड में, ये अगर आप सपोज करना चाहें तो इसको जो है वो आप डे की कैंडल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, और इसके अंदर जो है मार्केट मूव हुई है। तो यहाँ इसका हाई जो बना वो ये बना 54,000 डॉलर, और इस दिन जो है वो मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इसकी जो लो बना वो बना 48,000 डॉलर। अब यहाँ ये कैंडल को आप समझ लें कि इस कैंडल की ये जो हमारी फिगर है इसको हम क्या बोलते हैं। तो हम जो है वो इस कैंडल को जो ये वाली चीज़ है इसकी, ये बॉडी जो है इसको इसको हम बॉडी बोलते हैं, जो ये एक फुल ग्रीन जो हुई है, ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन है इस वक्त, तो इसको हम बॉडी बोलते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम विक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम विक बोलते हैं, इसको आप शेडो भी कहते हैं, ठीक है। शेडो भी आप कह सकते हो कि ये शेडो है या विक है, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो है इस कैंडल का विक है, और इस कैंडल की जो बॉडी है वो ये वाली है। तो आप इस तरह जो है वो एक कैंडल को स्टडी कर सकते हो। अब आगे जो है वो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आपने इसी तरह की कैंडल्स जो है बनानी है। अभी आप वीडियो को आप रोक दें, और इन कैंडल्स को जो है वो एक पेपर पर आप ड्रा करें। OHLC जो है वो ये आपको दिया गया है, ओ जो है इसमें ओपनिंग प्राइस जो है वो 25,000 डॉलर है, इसका जो हाई प्राइस है वो 35,000 डॉलर है, इसकी जो लोएस्ट प्राइस है वो 20,000 डॉलर है, और क्लोजिंग जो इसकी हुई है वो 30,000 डॉलर तक हुई है। इसी तरह नीचे वाले जो हैं सारे OHLC हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें, साथ में मैंने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑप्शन दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो आई होप कि आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी। तो अभी इस असाइनमेंट को अगर आपने गलत किया है या आपको सही से करनी नहीं आई, तो आप इस असाइनमेंट को रीचेक कर लें। तो
तो सबसे पहले हमारे पास जो ओ एच एल सी था वो 25,000 ओ था हमारे पास, यानी कि ओपनिंग प्राइस। हाई हमारे पास था 35,000 डॉलर, और लोएस्ट प्राइस थी हमारे पास 20,000 डॉलर, और क्लोजिंग थी उसकी 30,000 डॉलर। तो हमारी कैंडल जो है कुछ इस तरह बनेगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो ओ एच एल सी था, सेकेंड कैंडल के लिए जो आपको चीज़ें दी थी, उसमें हमारी जो लोएस्ट प्राइस थी वो हमारे पास थी 80 की, तो ये एक लंबी सी विक बन गई। और उसके बाद जो हमारी ओपनिंग प्राइस थी वो 110 थी, और उसका हाई भी यही था, यानी कि मार्केट ओपन हुई जैसे ही ओपन हुई गिरना शुरू हो गई, और उसके बाद ये काफ़ी लो लगाया 80 तक का ही और ऊपर चली गई। तो यहाँ इसका शेडो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे गई है, जैसे ही ओपन हुई मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गई, तो इसलिए इसकी विक नहीं होगी। बहुत सी कैंडल्स आपको ऐसी भी नज़र आएंगी कि जिनकी कोई विक नहीं होती, कोई शेडो नहीं होता। तो ये हमारी फर्स्ट वाली ओ एच एल सी और सेकंड वाली ओ एच एल सी यानी कि कैंडल्स हमने बना ली हैं। उसके बाद हम जो है वो थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड कैंडल जो है वो ओ एच एल सी जो है वो उसके जो ओपनिंग प्राइस है वो 70 है, उसने हाई जो बनाया वो 100 का बनाया, और उसकी प्राइस जो लोएस्ट प्राइस रही है वो 20 रही है, और उसके बाद 70 जो है वो उसकी क्लोजिंग है। ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, आप यहाँ देख सकते हो कि इस कैंडल की कोई भी बॉडी नहीं है, यहाँ आप देख सकते हो। और इस कैंडल को हम जो है वो डोजी कैंडल बोलते हैं, कि जिसकी कोई भी बॉडी नहीं होती और उसकी सिर्फ जो है वो शेडोज़ होते हैं। तो डोजी कैंडल जो है ये असल में क्या हमें रिप्रेजेंट करती है, और नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट जो है वो डोजी कैंडल के बाद क्या रहती है, इसको हम आने वाली वीडियो में जब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करेंगे तो तब आपको इसकी डिटेल में समझा दिया जाएगा कि डोजी कैंडल जो है वो क्या होती है। उसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट जो ओ एच एल सी था हमारा असाइनमेंट में, वो ये भी हो चुका और ये वाला था, ठीक है जी। तो ये असाइनमेंट जो दी गई है आपको लास्ट वाली, जिसमें ओ एच एल सी जो है वो दिया गया है आपको 100 100 और 200 200 का, इसको आपने जो है वो यहाँ से चेंज कर लेना है 200 200, यानी कि ओपनिंग और हाई जो इसकी 2 है 200 है, और उसकी जो क्लोजिंग और लो है इसका वो 100 100 है। तो ये आपने इसको जो है वो दोबारा से चेंज कर लेना है, और अभी आपको जो है उसका बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ हमने इसको चेंज कर लिया है, यहाँ मिस्टेक थी, एक ओपनिंग और हाई जो है वो रॉन्ग थे। तो यहाँ ओपनिंग और हाई जो है वो इसका ये 200 पर है, और उसकी जो लो है और जो उसकी क्लोजिंग है वो 100 पर है। तो यहाँ आप देख सकते हो कोई विक नहीं है इसकी, ठीक है, कोई विक नहीं आपको नज़र आ रही इसमें, और जस्ट बॉडी आपको नज़र आ रही है। तो ये भी एक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न ही बनता है, इसको जो है वो हम मारू बुजू कैंडल बोलते हैं, ठीक है। और मारुबुजु कैंडल जो है ये एक चार्ट पैटर्न है, इसको हम जब चार्ट पैटर्न वाली क्लास आएगी तो हम जो है वो तब इसको डिस्कस करेंगे, और तब जो है वो आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि ये कैंडल्स असल में क्या हमें कहती है, और इससे क्या मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो हो सकती है। तो आई होप कि ये कैंडल्स की जो पैटर्न्स है वो आपको समझ आ गए होंगे, कि ये एक कैंडल जो है वो हमें क्या कहती है, और इस कैंडल में जो है वो क्या आगे जाकर होता है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम जब उसमें आपके पहले 2 मिनट में प्रीवियस क्वेश्चन जो है उनको रिपीट करेंगे, और नेक्स्ट जो है वो 8 मिनट की या जितने भी मिनट की है वो क्लास हुआ करेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि अंडर 10 मिनट जो है वो इस क्लास को फिनिश कर दिया करें। तो जो भी क्वेश्चन आपको इस लेक्चर से होता है तो आप मुझसे बताएं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको दे दिया जाएगा, और आपका इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।